सैमसंग इनोवेशन कैंपस कॉन्वोकेशन सेरेमनी के आज के इस समारोह में प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्तानंदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रदेश के औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रेसिडेंट एंड सीईओ सैमसंग श्री जेबी पार्क, कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय प्रोफेसर अशोक आलोक कुमार राय जी, सीईओ इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर अभिलाषा गौड़ जी, सैमसंग इंडिया से जुड़े हुए सभी यहां पर अधिकारीगण और लखनऊ विश्वविद्यालय के सभी यहां पर उपस्थित फैकल्टी मेंबर्स और सभी हमारे युवा छात्र छात्राएं, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सैमसंग इंडिया ने अपनी सीएसआर मद से देश के जो 8 सेंटर में प्रशिक्षण का एक विशेष जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है, इसके लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय को चुना है और लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए ऐसे 383 छात्रों को आज यहां पर प्रमाण पत्र वितरण के साथ इस कॉन्वोकेशन सेरेमनी के माध्यम से उनके उज्जवल भविष्य के प्रति अपनी शुभेच्छा व्यक्त करने के लिए हम सबको एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर सैमसंग इनोवेशन कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले सभी युवा छात्रों को हृदय से बधाई देते हुए सैमसंग इंडिया को आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। डॉक्टर अभिलाषा गौर जी को भी वहाँ और अतिथियों का स्वागत करें। शुभ संध्या एवं नमस्कार। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, नंदी जी एवं सम्मानित अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित सभी विद्वान एवं सज्जनगण, देश की युवा अमृत पीढ़ी, हमारे छात्रगण, मैं अभिलाषा गौर, सीईओ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, आप सभी का सैमसंग इनोवेशन कैंपस के दीक्षांत समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। किसी भी देश को समर्थ बनाने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट और अकेडमिया में पढ़ाए जाने वाले विषयों में समानता हो। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे फोकस करती है, उसी प्रकार से टीचिंग एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज पर भी अपग्रेडेशन पर हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे कि छात्रों के लिए कौशल से रोजगार तक का सफर आसान बनाया जा सके। इसी पहल के अंतर्गत सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से अपनी वैश्विक सीएसआर पहल के तहत सैमसंग इनोवेशन प्रोग्राम को लागू करने के लिए भारत को 34वें राष्ट्र के रूप में चुना गया। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया और सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स ने सितंबर 2022 में गठजोड़ किया, जिसके अंतर्गत अपने पहले चरण में 3000 छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, IoT, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग जैसी फ्यूचरिस्टिक स्किल्स के अपस्किलिंग करने के लिए यह ज्ञापन किया गया। नवंबर 2022 में देश के 8 राज्यों में प्रशिक्षण शुरू किया गया। अब तक 2068 छात्रों को एनरोल किया जा चुका है, जिसमें से 1236 अपने प्रशिक्षण को पूरा कर चुके हैं। इस समय यह प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में यह प्रशिक्षण लखनऊ विश्वविद्यालय में किया गया। प्रशिक्षण के दौरान यह सुनियोजित किया गया कि छात्रों को डोमेन ट्रेनिंग के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एवं एक्सपोजर दिया गया, जिसके तहत कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स एवं हैकाथॉन कराई गई। इसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग एवं पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे विषयों पर भी छात्रों को अपस्किल किया गया, जिससे कि उनका एम्प्लॉयबिलिटी क्वोशेंट में वृद्धि की जा सके। आज के इस दीक्षांत समारोह में लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए 383 छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IoT बिग डेटा के छात्रों ने यह प्रशिक्षण के दौरान कैपस्टन प्रोजेक्ट्स पर काम किया एवं कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट्स के लिए 9 मई से 11 मई तक हैकाथन का आयोजन किया गया। हैकाथन के दौरान स्टूडेंट्स ने विभिन्न प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पर टीम के साथ सराहनीय प्रदर्शन किया, जैसे कि GST कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ऑटोमेटेड पार्किंग, क्रॉप पेस्ट आइडेंटिफिकेशन, लैंग्वेज प्रोसेसर इत्यादि समस्याओं का इनोवेटिव समाधान निकाला। मुझे पूरी उम्मीद है कि सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के संगठन से देश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे एवं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का कथन कि हमें आने वाले वर्षों में भारत को विश्व की स्किल कैपिटल बनाना है, यह सत्यापित होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और आज सैमसंग इनोवेशन कैंपस के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होकर छात्रों का उत्साहवर्धन किया। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी के कहे हुए कुछ शब्दों से छात्रों को संबोधन करना चाहूँगी कि इससे पहले कि सपने सच हों आपको सपने देखने होंगे। हम केवल तभी याद किए जाएंगे जब हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध भारत दे जो आर्थिक समृद्धि और सभ्यता की विरासत का परिणाम होगा। धन्यवाद। जय हिंद।